हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आई हुई एग्रीकल्चर वैकेंसीज़ के बारे में, जहां पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे यहां पर कितनी वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है और कितनी सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बात करेंगे, BHU की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल करना होगा। आगे बात करेंगे तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी UR के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपसे कोई भी फ़ीस सबमिट नहीं की जाएगी, मतलब आपको 0 फीस पे करनी है, यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो प्रोफेसर के लिए लेवल 14 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 1,44,200 रुपीज़ से लेके 2,18,200 तक रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 13A की रहेगी यहाँ पे, जिसमें 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम बात करें, लेवल 10 की यहाँ पे रहेगी, जिसमें 57,700 से लेके 1,82,400 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बाइफरकेशन की, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 20+ वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे OBC में एक वैकेंसी है, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए EWS में 1 वैकेंसी है, एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर जूलॉजी के प्रोफेसर पोस्ट के लिए EWS में 1 वैकेंसी है। आगे बात करेंगे तो इसी में आपके इसी सब्जेक्ट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए SC में 1 वैकेंसी है और ST में 1 वैकेंसी है। एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करेंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर के UR में 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी है और ST में 1 वैकेंसी है। जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी, जिसमें एक आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एक एसोसिएट प्रोफेसर की है और एक एक जो है SC ST में है एसोसिएट प्रोफेसर की। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, और इसमें आपकी एक वैकेंसी और है जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में OBC के लिए। आगे बात करेंगे तो ये हॉर्टिकल्चर में 1 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, 1 वैकेंसी SC कैटेगरी में है। और आगे बात करेंगे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में, तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी SC के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी OBC के लिए है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी EWS के लिए है और 1 वैकेंसी ST के लिए है। सॉयल साइंस में बात करेंगे तो प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी OBC में है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी OBC में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी PWD में है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी आई हुई हैं। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल भी यहाँ पे हम कर लेते हैं, टोटल में बात करेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, मतलब 20+ वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जो कि ठीक वैकेंसी मान सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। आगे बात करेंगे तो ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो कि हम टेबल 1 में देखेंगे फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, ये आपके सब्जेक्ट कोड हैं, ठीक है, इनकी सभी की आगे टेबल दे रखी है, उसमें हम देखने वाले हैं। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो आपका जो हॉर्टिकल्चर के लिए है, इसमें अगर BSc हॉर्टिकल्चर उसने ग्रेजुएशन में किया है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में और भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे 1000 की फ़ीस है, जैसे मैंने आपको बताया, SC ST और PWD के लिए कोई भी फ़ीस सबमिट नहीं करनी है। ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। बाकी अप्लाई करने की लिंक हम आपको दे देंगे, आपको ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बात करेंगे तो जो एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, उसमें एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, साथ में PhD डिग्री के, ठीक है,
और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे मास्टर डिग्री, मास्टर्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या रिसर्च का, ये भी आपको यहाँ पे देख के चलना है, तब आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए, बिसाइड उसके आपको NET नेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए, और या फिर अगर आप ये नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री, मतलब या तो ये या फिर आप केवल PhD डिग्री के माध्यम से भी आप अंदर जा सकते हो, इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो अगर आपने PhD किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि केवल PhD से भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये हो गया एसोसिएट प्रोफेसर का, ठीक है। अब बात करेंगे तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 55 रहेगा, जिसमें 10th और 12th के 5 पॉइंट रहेंगे, अंडर ग्रेजुएट के आपके 3 जो कि आप रैंकिंग देख लेना, और इसी में आपके 5 अंक रहेंगे अगर आपके टॉप 1 से लेके 190 इंस्टीट्यूशन में हैं। PG अगर आपने इन इंस्टीट्यूशन से किया 3 मिलेंगे, अगर ये रैंक जो है वो ये है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। PhD आपने अगर यहाँ से किया है तो 7 मिलेंगे, और इस रैंक में किया है तो आपको 10 मिलेंगे। ये रैंक आपकी इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आपके जो जहाँ से आपने किया है वो किस रैंक पे लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। पब्लिकेशन में 2 पॉइंट आपको मिलेंगे हर एक पब्लिकेशन पे, तो टोटल यहाँ पे आपको पॉइंट विल बी गिवन ओनली फॉर 5 पेपर। अगर आपने टोटल 5 किए हैं या 5 से भी ज़्यादा किए हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। और टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पर ईयर का जो एक्सपीरियंस है अगर इस रैंक की इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है तो 15 मिलेंगे, और 3 पॉइंट मिलेंगे अगर इस रैंक की इंस्टीट्यूशन में लाया है, मैक्सिमम 15 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए बात करेंगे तो UG अगर इतने इंस्टीट्यूशन रैंक से आपने किया तो 3 मिलेंगे, अगर इस रैंक के इंस्टीट्यूशन से किया तो 5 मिलेंगे, PG आपने इससे किया है तो 3 और इस रैंक के इंस्टीट्यूशन से तो 5, PhD आपने अगर यहाँ से किया है इस रैंक के इंस्टीट्यूशन से तो 7, यहाँ से किया है तो 10, पब्लिकेशन आपको एक पेपर पर 2 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम 10 अंक मिल जाएंगे, टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस में 2 पॉइंट पर ईयर अगर इस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाया है, और 3 पॉइंट पर ईयर अगर आपने इस रैंक के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, तो टोटल 15 हो गए। और एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च ग्रांट प्रोजेक्ट है तो 2 पॉइंट मिलेंगे ईच EMR ग्रांट पे, और 1 पॉइंट मिलेगा EMR ग्रांट फॉर COPI, मैक्सिमम 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, कोशिश करेंगे आपकी जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।